ॐ अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायक राजाधिराजा योगिराजा परं ब्रह्म सच्चिदानन्द समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। रुसो मम प्रियाम्बिका मजवरी पिता ही रुसो रुसो मम प्रियांगना प्रियसुतत्मजाही रुसो रुसो भगिनी बंधु ही स्वसुर सासुबाई रुसो नदत्त गुरु साई मा मजवरी कदी ही रुसो। ऐसा साईनाथ का वंदना करते हुए मैं आज का लीला का ओर चल पड़ी हूँ। आज जो भी लीला मैं आपको बोलने जा रही हूँ वो एक साई भक्त रामकृष्ण जी का है, उन्हीं का बातों में सुनिए। वो बोल रहा है, मेरा जीवन में साईनाथ ने जो लीला किया अद्भुत है। वो बाबा अपने भक्तों को खुद चुनते हैं, ये मेरा पहला अनुभव है, आप सब लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। 1994 में एक दिन मध्याह्न में खाना खाके मैं थोड़ा सो गया था। उस समय बाबा ने मेरा सपने में आया, उनका पहले मैं कभी शिरडी नहीं गई था। सपने में बाबा हमारा घर आया सोच के मैं बहुत खुश हुआ। उस दिन सपने में बाबा अपना खाना उनका मुंह से निकाल के मेरा मुंह में रख दिया। मैं तुरंत नींद से उठ गया, ये क्या स्वप्न आया सोचा। उसी दिन से मैं बाबा की तरफ आकर्षित हो गया। पहले बार शिरडी जाके बाबा का दर्शन भी किया। मेरा स्वप्न का बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे बाबा एक माँ की तरह प्यार किया लगता है। मैं एक आदमी से सुना है कि गांव में जो काम करने वाले औरत लोग अपना बच्चे को खुद का झूठा खाना खिलाता है, इसी से बच्चों को माँ का प्यार और बहुत ताकत भी मिलता है। ये जान के मुझे बाबा अपना झूठा खाना खिलाया स्वप्न में ही सही, बाबा ने मुझे माँ का ममता और प्यार दिया। मैं बाबा को जानता भी नहीं था तब बाबा मुझे अपना बच्चा बनाया। बाबा का प्यार का कोई मोल नहीं होता है, ये आप लोगों का साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुश हो रहा है। आप सभी को बाबा का प्यार मिलता रहे इस कामना करते हुए मैं विदाई लेता हूँ। ऐसा ही अनेक लीला के लिए आप sailila.com में जाइए, आपको ढेर सारा लीला उसमें मिलेगा। सर्वम साईनाथार्पणमस्तु।